चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा? हाँ, जो हमारे गांव में जो सारे लोग जो करेंगे वो हम लोग भी करेंगे। मुद्दा यही रहेगा कि मोदी जी को हम लोग वोट देंगे, ठीक है, और उनकी सरकार बने। ओके, शहाबुद्दीन साहब जब डेथ किए तो तेजस्वी साहब हमारे दिल्ली में थे, लेकिन मिलने तक नहीं, उनके लाश को देखना गवारा नहीं किया। 15 साल से तो हम लोग खुद देख रहे हैं, हम लोग के गांव का विकास भी नहीं किया, मुजफ्फरपुर शहर का क्या विकास होगा? हमारा तो खुद रास्ता है, लोग घेर दिए हैं, तो हम क्या बोले? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं आदित्य आपके साथ। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के चैनपुर वाजिद गांव में है, मुस्लिम बहुल इलाका है, और यहां पे कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं, बात करेंगे और जानते हैं कि किस आधार पर इस बार का चुनाव होगा और क्या मुद्दा रहेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बिलाल अहमद हुआ। क्या लग रहा है कि इस बार पहला बार वोट देंगे? अच्छा, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? इस बार मुद्दा रहेगा कि जो विकास हुआ है देश में और जो देश तरक्की किया, वही मुद्दा रहेगा। किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मतलब बीजेपी को वोट दें? जी बिल्कुल। उन्होंने विकास किया है, जो 75 साल के विकास नहीं हुआ है, मोदी जी को सत्ता में आने के बाद देश प्रगति की राह पे गया है। अच्छा, पिछला जो यहाँ के सांसद है उनका कार्यकाल कैसा रहा? बिल्कुल, मतलब कि उनके इससे पूर्व उनके पिताजी सांसद थे, उसके बाद वो बने, कोई विकास का काम नहीं हुआ, मतलब जस का तस हालत है शहर का। इस बार जो है चर्चा है कि महागठबंधन की तरफ से उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है और नए उम्मीदवार आए हैं भाजपा की तरफ से, जो है नए उम्मीदवार, नया चेहरा दिया गया है, तो क्या लग रहा है? वो जीतेंगे भारी मतों से, यहाँ से जीतेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट का चुनाव में? क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा? हाँ, जो हमारे गांव में जो सारे लोग जो करेंगे वो हम लोग भी करेंगे। मतलब किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? बोलो, कोई दिक्कत। हम लोग तो कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस फिर से आए। फिर से कांग्रेस जो है? हाँ, कांग्रेस आए। किस आधार पर जो है इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? 15 साल से तो हम लोग खुद देख रहे हैं, हम लोग के गांव का विकास भी नहीं किया, मुजफ्फरपुर शहर का क्या विकास होगा? हाँ, हमारा तो खुद रास्ता है, लोग घेर दिए हैं, तो हम क्या बोले आपको? मतलब विकास के नाम पर वोट इस बार? विकास क्या देखे, हमारा चारों तरफ से लोग हमारा खुद रास्ता बंद किए हुआ है। परिवर्तन मतलब बदलाव होगा? होगा, जिधर देखेंगे कांग्रेस का लोग अगर चाहेंगे उधर, तो हम लोग भी उधर जाएंगे। क्या इस बार चुनाव का मुद्दा रहेगा? कुछ नहीं है, बस विकास है। विकास, मतलब विकास के नाम पर जो है? हाँ, विकास के नाम पर वोट होगा। किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? ठीक है, हमारे देश के जो अभी पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका कार्यकाल ठीक चल रहा है। अच्छा, और हम चाहते हैं कि फिर से वही पीएम बने। बीजेपी को वोट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, लेकिन बिहार में MY समीकरण की बात होता है, वो नहीं करना, विकास देखना। विकास के नाम? विकास ठीक है, और मोदी का चेहरा हमको पसंद है। मतलब पार्टी सबसे अलग हटके जो है विकास के? विकास, विकास। पार्टी से अलग हटके विकास को देखा जाए, बस यही है। अच्छा, पिछला कार्यकाल जो है जो सांसद है उनके कैसा कार्यकाल रहा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार चर्चाएं हैं कि वो जो पिछला भाजपा के तरफ से जो प्रत्याशी आए थे वो महागठबंधन से इस बार आ सकते हैं, और जो पिछले बार महागठबंधन से प्रत्याशी आए थे वो इस बार भाजपा के तरफ से प्रत्याशी बनाए गए। ठीक है, इस चीज़ की तो अभी जानकारी हमें नहीं है। हाँ, देखते हैं फिर। मतलब पार्टी के नाम पे वोट? पार्टी के नाम पे वोट हो सकता है। मोदी फैक्टर काम को? मोदी फैक्टर चलेगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? क्या मुद्दा रहेगा इस बार? इस बार मुद्दा यही रहेगा कि मोदी जी को हम लोग वोट देंगे, ठीक है, और उनकी सरकार बने, और ये यहाँ का जो भी मतलब विकास जो अभी पीछे जो पड़ा हुआ है, समझे, जो काम समझे विकास का, पिछला जो अधूरा काम था, पिछला जो अधूरा काम था उसको पूरा करे, ठीक है, और यही बोलेंगे। मतलब देश हित में मोदी जी बुला रहे हैं? हाँ, मोदी को ला रहे हैं, मोदी जी आए, और मतलब यहाँ के विकास के बारे में मतलब जो भी मतलब यानी पिछड़ा जो पूरा उसको सही से सही मतलब उसको पूरा किया जाए। अच्छा, MY समीकरण बिहार में, चूँकि MY समीकरण को लेकर के मुस्लिम यादव इस समीकरण को लेकर के हमेशा चर्चाएं रहती है, तो इसको कैसे देखते हैं, किस रूप में देख रहे हैं? इसका तो मतलब अभी मतलब ये नहीं है, हम खाली यही बोले हैं कि हाँ यहाँ का सही तरह से विकास हो जाए, वही बहुत। तो चुनाव में विकास का मुद्दा जो है, विकास का मुद्दा हो। हाँ, क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? चुनाव में विकास का मुद्दा रहेगा। हाँ,
और इस बार MY समीकरण काम करेगा नहीं, चूँकि जहाँ से मुस्लिम खड़े होते हैं वहाँ से राइजी वोट देते नहीं, तो माई समीकरण रहा कहाँ। अब जैसे देख लीजिए कि औराई से खड़े हुए हमारे मुस्लिम, तो वहाँ से राइजी वोट नहीं दिए, तो माई समीकरण कहाँ। जहाँ से रायजी खड़े होंगे वहाँ से मुस्लिम तो पूरे मतलब पूर्ण बहुमत देंगे जितना हो सकेगा, लेकिन उसके बाद जहाँ से मुस्लिम खड़े होंगे वहाँ से रायजी वोट नहीं देंगे, तो माई समीकरण है नहीं। अब शहाबुद्दीन को ले लीजिए, शहाबुद्दीन अपना पूरा जीवन ख़त्म कर दिया RJD के पीछे, लेकिन उनके परिवार को आज भी निगलेक्ट किया जा रहा है, आज भी निगलेक्ट किया जा रहा है, तो हम क्यों देंगे मुस्लिम RJD को वोट, हम उसके बंधुआ मजदूर तो हैं नहीं। लेकिन सिवान से अभी भी जो है राजद की तरफ से प्रत्याशी का नाम जारी नहीं किया गया, अभी भी बाकी है, तो क्या शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को वहाँ से जो है प्रत्याशी बनाया जा सकता है? अगर बनाया जाए वो फैक्टर यहाँ काम नहीं करेगा, चूँकि शहाबुद्दीन साहब जब डेथ किए तो तेजस्वी साहब हमारे दिल्ली में थे, अच्छा। लेकिन मिलने तक नहीं, उनके लाश को देखना गवारा नहीं किया। नाराजगी है इस बात की? बेशक, शहाबुद्दीन हम लोगों के लीडर थे, और शहाबुद्दीन ने जो सिवान में विकास किया है उसके बाद तो वहाँ भी विकास ठप है, वहाँ भी विकास नहीं हुआ, तो हम कैसे माई समीकरण मान लें? यहाँ माई क्या मुस्लिम सिर्फ वोट देने के लिए है, और विकास का जहाँ पर बात आए तो मुस्लिम पीछे हो गया, वो सब अपने अपने जाति का विकास करेंगे, मुस्लिम कहाँ गया? तो RJD भी है तो सिर्फ यादव का विकास कर रही है, तो मुस्लिम क्यों उसके पीछे जाएगा? इस बार मुस्लिम समाज जो है इस बार मतलब बदलाव चाहती है, एकदम बदलाव चाहती है, चाहेगी बदलाव। किसके साथ है मुसलमान समाज? मुस्लिम समुदाय अभी फिलहाल 60% मोदी जी के साथ है, तो इस बार BJP का मोदी फैक्टर काम करेगा या विकास काम करेगा? मोदी जी के आने से जो भारत का नाम हुआ है, उससे पहले तो भारत को उतने लोग जानते भी नहीं थे, मोदी जी के आने के बाद हाँ एक ये हुआ कि हाँ भाई भारत देश के भी एक प्रधानमंत्री हैं, शेर हैं, लेकिन उसके उससे पहले तो जो भी आए तो वो तो बोलते ही नहीं थे। पप्पू यादव पूर्णिया से अपने पार्टी को विलय करा, पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार घोषणा मतलब नामांकन पर्चा भर दिए, अच्छे नेता हैं, पप्पू यादव भी अच्छे नेता हैं और वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनको जीतना चाहिए। बिल्कुल, तो आपने सुना चैनपुर वाजिद गांव में है और यहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इस बार विकास का मुद्दा रहेगा और एक बार फिर से सरकार भी बनाया जाएगा, तो इस तरह के तमाम खबरें देखते रहिए फर्स्ट।